बार ना चौलाई फिर भी बहुत ज्यादा कीड़ियाँ लगी हैं, इस पे चौलाई नहीं है बिल्कुल भी नहीं। ना इतनी भयंकर तबीयत खराब हो रही है, बोलूँ क्या, आज ना घास भी नहीं निकाल पाऊंगी मैं। और लेकिन क्या करें, घास तो निकालना ही पड़ेगा यार, भैंस को क्या खिलाना है फिर, कितना हो सकता है मेरे से काम। मैं खा रही हूँ ककड़ी। हाँ फोटो खींचेगा बोला, ककड़ी के साथ बहुत मारी तू। तीस साल का है बनियान का ही। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है अनिता, क्या स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह के करीब 9:30 बजे से, और मेरी सकाल देखो लग भी रही हूँ मैं अनिता की कोई और लग रही हूँ तो कसम से। हाँ कपड़े तो बोल रही बोल, तो अभी मैं घर ही पर हूँ, मतलब कि आज थोड़ी बहुत तबीयत ठीक ही है, खाना खाने का तो मन नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा मन हो रहा मेरा। तो परसों से ना मैंने अभी बाल भी नहीं बनाए, तो क्या करें, क्योंकि कल ना मेरे को मना था बाल बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने बाल नहीं बनाए, क्योंकि कल ना मेरे बालों पर ना वो बांध रखी थी, क्या डोरी करके बांध रखी थी, हमारी भाषा में उसे कीड़ा कहते हैं, और जैसे करके और ऐसे करके खोरा मार रखा था, तो इसलिए खोरा मार रखा था, तो मना था कल बाल बनाने के लिए, और मैंने बनाए भी नहीं। तो आज ना मैंने अभी मतलब पानी रखा है मैंने नहाने के लिए, बाद में नहाऊंगी, और अभी मैं ना चलती हूँ घास के लिए, तो क्या करना है घास को निकालना ही पड़ेगा। तो आराधे रहेगी यहीं पर, और लोग गए हैं, कांची गई स्कूल, नीति भी गई स्कूल, तो दादी और मेरी ननद गई है, रवीना माजफ और राधु है यहीं पर, सासू जी भी चली गई हैं घर की साइड, तो मैं भी चलती हूँ घास निकालने, तो क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा, तबीयत खराब हो गया सही हो, काम तो काम ही है, रोज का काम ही है। तो इसको देखो ये कपड़े धुल रही, इसको देखो, इसने पता नहीं क्या सीख दिया आजकल, ऐसे ही करती है मेरे गालों को, ऐसे करती है डॉगी है ये, इसका मुंह भी नहीं धुला मैंने अभी, आधा टाइम होगा मेरे को उतना, तो आराधु को भी ना टाइम, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं होगा जो घास निकालने में, तो अगर मैं 11 बजे से पहले पहले घास निकाल लिया तो आराधु को नहाऊंगी, अगर नहीं निकाला तो नहीं है ना आधु। फोटो इसकी फोटो खींचे हुआ इस बोल रहे मेरे को दिखाओ, बोल बहुत हरामी लगी है। ना बहुत तेज धूप खिली है, क्योंकि परसों लगातार बारिश रही, तो आज ना बहुत तेज धूप है, तो बादल तो वैसे है एक दो आसमान पे देख सकते हैं ऐसे करके। बाय आदू, बाय गर। उसने कल गई मैं घास के लिए, और यहाँ पे देखो आज ना सोवर आया हो गया बालो आया होगा, उसने देखो ऐसी कम तैसी मचा दी हमारी खेतों की, पूरा धान खा लिया, मतलब झंगोरा की ऐसी कम तैसी कर ली, तो मैं निकालूंगी घास इस वाले खेत में, तो क्योंकि इसने ना ज़्यादा काटने के लिए, तो मेरी बस की आज थोड़ा थोड़ा करके निकालना नहीं है, तो एक ही बार में हो जाएगा घास, तो चलो करती हूँ मैं काम स्टार्ट फटाफट से। और इस बार ना चौलाई पे भी बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ लगी हैं, और देख सकते हैं आप चौलाई पे कीड़ियों की वजह से कारण ना, तो चौलाई भी नहीं हो पा रही, देखो इस पे चौलाई नहीं है बिल्कुल भी नहीं, पूरे ख़राब हो रखी है, ऐसी कम तैसी हो गई है चौलाई की भी। इस बार ना कोई भी फसल नहीं है, क्योंकि कोई भी फसल देखो और सब चीज़ें पर मतलब जो भी चीज़ है उस पर भी कीड़ियाँ लगी है, पता नहीं इस बार पता नहीं क्या हो गया है, और ऐसे ही करके हो रहा है ना, इतनी भयंकर तबीयत ख़राब हो रही है, बोलूँ क्या, आज ना घास भी नहीं निकाल पाऊँगी मैं, और ऐसे ही करके पता नहीं क्या हो गया है, तो मतलब थोड़ा परसों कुछ हुआ तो कल कुछ हुआ तो आज फिर से हाथ पैर में दर्द, और क्या बोलें,
मन नहीं कर रहा मेरा काम करने का, लेकिन क्या करें, घास तो निकालना ही पड़ेगा यार। भैंस को क्या खिलाना है फिर, क्योंकि कांची भी स्कूल गई हुई है, वरना कांची निकालती घास। और सपना भी वैसे ही सर दर्द हो रहा है उसे, तो वो भी ऐसे ही लेटी पड़ी है, क्योंकि अभी आरती के पास है तो दादी भी गरीब हैं, तो दादी तो निकालती ही नहीं आरती को, तो इसलिए ऐसे ही करके करना पड़ेगा गुजारा। क्या करें, अगर मैं 4-5 पुलियाँ भी निकाल पाती मैं तो बहुत था, लेकिन देखती हूँ कितना हो सकता है मेरे से काम, तो जितना हो सकेगा उतना कोशिश करूँगी, जितना नहीं हो सकेगा बाद बाकी मैं क्या कर सकती हूँ। तो अभी 4-5 पुलियाँ भी निकालती हूँ और कुछ शाम को निकालूँगी। तो मैंने निकाल दिया है, मतलब ज़्यादा नहीं निकाला है, 4-5 पुलियाँ निकाली है, क्योंकि मेरी नानी जी आ गई है घर में, तो मेरे को घर जाना पड़ेगा, तो चलो चलती हूँ घर। और आजकल ना हमारे घर में मतलब जो हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार जैसे नानी हो गए, जैसे कल भी आ रखे थे लोग, तो ऐसे ही करके आ रहे, बोला अनीता की तबीयत खराब है। तो चलो चलती हूँ मैं घर को। तो दोस्तों मैं नागल हूँ, बाबा की मिट्टी भी आ गई स्कूल से, मैं खा रही हूँ काकड़ी। हाँ हाँ क्या ये भी खाएगी बोल, अरे वो खा रही पोला थी काकड़ी खाने में, चीज और उसके साथ में तेरी फोटो। आओ तू देखो पोच मारी काकड़ी के साथ, पोच मारी तू प्यार मारा दो, जाते खड़ा मख चुन जा न तेरे पजाम नहीं चल, और खा देखो किसके फोटो खींच रहे आदो दोस्तों। अभी मैंने बाल बुल बना लिए हैं, बाल बाकी है देखो, मेरे को बाल है इसकी, बनियान कहाँ है, ये ढीली हो गई ना, मैंने तार तार के ना इसे खींच खींच कर, तो हो नहीं है क्या, नहीं है क्या, और पहले अभी इसे फाड़ देते हैं तो दूसरी चालू कर दे। देखो ये बहुत कंजूस है, नए नए ड्रेस ना संभाल के रखी है इसने, मेरे पास नहीं हो तो कसम करनी है तो घर पे पहनू। अरे अपनी मम्मा को ढूंढ रही थी, ये देखो बुआ को पकौड़े लाए उसकी बुआ ने, मां जब से तो पकौड़ी दिखा रही है। आदो यहाँ मतलब वही रख, वही रख, तू ये पूरी खोलेगी और खाएगी फिर मार खाएगी। दोस्तों टाइम भी हो गया है, शाम के साथ पिस गए हैं, मतलब रात ही पड़ गई है, रात ना बहुत जल्दी हो रही है, तो इस कारण से जल्दी बना लेते हैं खाना पीना। तो चलो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं से एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, उम्मीद करते हैं आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं अनीता बघेल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।